अनुराधा गुड पढ़ेगी। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। 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 ओके ठीक है, बताइए तो कुछ क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि व्हाट डज एंडेंजर्ड मींस। व्हाट डज एंडेंजर्ड मींस? एंडेंजर्ड का जो मैम खतरों मैम जो चीज लुप्त होने वाली हो, यस मैम लुप्त होने वाली होती है। यस मैम। और क्या है उसका मीनिंग? और खतरे से बाहर, खतरे से बाहर हो मैम। खतरे से बाहर तो नहीं है, वो तो खतरे में है। खतरे में जो ओके जो लुप्त होने वाले हैं, जो खतरे में हैं, उनको ही कहते हैं एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड डू यू नो ऑफ एनी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिस इन इंडिया? आपको पता है क्या इंडिया में कुछ एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स है जो खत्म होने वाले हैं, उनका नंबर खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट ग्रुप में चले जाएंगे वो, ऐसे कुछ प्लांट और एनिमल्स के बारे में पता है आपको? यस मैम, जैसे एनिमल्स थे ना, जैसे वो वाले एलिफेंट था एक, वो विलुप्त होने वाले हैं, बहुत कम हो चुके हैं। हाँ यस। और वाइट एलिफेंट मैमथ। और डोडो। यस डोडो एक्सटिंक्ट में चला गया है। डोडो डोडो एंडेंजर्ड में नहीं है, डोडो एक्सटिंक्ट। यस मैम विलुप्त एक्सटिंक्ट में चला गया है। हाँ नहीं, मैंने आपसे पूछा कि एंडेंजर्ड में बताओ, जो खतरे में है अभी, उनका नंबर विलुप्त होने वाला है, कुछ नंबर बचे हैं। टाइगर। हाँ यस ठीक है। वन हॉर्नड राइनो। हाँ राइनोसोरस। ठीक है ये सब राइनोसोरस। यस मैम ठीक है। टुडे लर्न अबाउट द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे जो बायोडाइवर्सिटी का खतरा क्या है, क्यों ये जो कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका नंबर कम हो गया है, वो खतरे में आ चुके हैं, विलुप्त होने वाले हैं, तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी हमारा टॉपिक क्या है? थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पेज आपको दिख रहा है सामने में है, पेज टू बायोडाइवर्सिटी। ओके अनुराधा प्लीज। यस मैम। रीड दिस पैराग्राफ। ओके Species of plants and animals that are found exclusively in a particular area are known as endemic species of that region. Endemic species cannot survive in another area. This makes it even more important to preserve their habitat. For example, the Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic to the Panchmari region in Madhya Pradesh. पौधे जो पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, उस क्षेत्र की स्थानिक दर प्रजाति के रूप में मानी जाती जानी जाती है। स्थानिक प्रजाति दूसरे क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकती है, यह उनके निवास स्थान को संरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। एग्जाम्पल जैसे मैम भारतीय विषय एक मैम गिलहरी है, और जो उड़ने वाली जो गिलहरी है मैम, ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थानिक है। Very good. That's excellent explanations. Thank you, बेटा। तो ये क्या है ना, endemic means क्या है, स्थानिक प्रजाति। ठीक है वो एक particular स्थान पर मिलते हैं, और कहीं उनको लेके जाओ तो भी वो सर्वाइव कर नहीं पाते हैं। ठीक है उनको ही कहते हैं endemic species। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपका पंचमढ़ी रीजन जो है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपका इंडियन जायंट स्क्विरल और एक फ्लाइंग स्क्विरल्स, जो उड़ने वाला गिलहरी और बड़ा सा जो इंडियन भारतीय स्क्विरल जो होते हैं, वो पंचमढ़ी रीजन में ही पाया जाता है। उनको लाके यूपी में रखेंगे तो वो नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ पे छलेरा में रखेंगे तो वो नहीं रहेंगे। ठीक है रह नहीं पाएंगे। तो वो क्या है ना एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर एरिया में खुद को सर्वाइव करके रहना उनका आदत है, और उस एरिया छोड़ के और कहीं जाके वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। ठीक है समझ में आया एंडेमिक? यस मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रियांशी ठीक है प्रियांशी मैम।
when the population of a particular plant or animal Priyanshi, please read this paragraph. Okay, ma'am. When the population of a particular plant or animal species reduces, it is called a threatened species. A threatened species whose population had reduced at a very high rate and is in danger of becoming extinct is an endangered species. जब किसी खास पौधे या जानवर की जनसंख्या स्पीसीज की जनसंख्या कम होती है तो उसको threatened species कहते हैं और threatened species उसको कहते हैं जिसकी जिस भी पौधे या जानवर की जनसंख्या कम होती है बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा कम हो गई होगी यस मैम एंड इज इन डेंजर और वो खतरे में होता है लुप्त होने के खतरे में होता है और वो धीरे धीरे लुप्त होके एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाते हैं तो क्या होता है ना उनका नंबर धीरे धीरे कम हो जाता है और वो धीरे धीरे ना वेरी वेरी हाई रेट में कम होता है ठीक है बहुत मात्रा का नंबर कम होता जाएगा और वो क्या है ना एक्सटिंक्ट ग्रुप में आने वाले हो जाते हैं ठीक है मीन्स विलुप्त ग्रुप ग्रुप बनाया गया है एनिमल्स और प्लांट का जो पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिसका नंबर पूरा खत्म है वो एक्सटिंक्ट ग्रुप में आ जाते हैं और जिनका खतरे में है नंबर कुछ साल के बाद कुछ महीने के बाद कुछ दिनों के बाद उनका नंबर पूरा खत्म हो जाएगा वो एंडेंजर्ड ग्रुप में आते हैं ठीक है तो ये क्या है ना एंडेंजर्ड स्पीशीज किसको कहते हैं जो जिसका नंबर यानी पॉपुलेशन हाई रेट में रिड्यूस होता है ठीक कम हो जाता है उसको ही कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज रीड दिस पैराग्राफ आदित्य चौहान कैन यू हियर मी Yes, ma'am. तो ये पैराग्राफ पढ़िए ओके मैम थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज व्हेन वन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट मेनी रिड्यूस द पॉपुलेशन और इवन कॉज एक्सटेंशन of other species that were dependent upon it some major threats of diversity are threats or diversity can result in the extinction of species jo threats or diversity ke wo result jab karte hain jab kisi janwar ya paudhe ki species extinct ho when one species become extinct agar unme se koi ek species extinct hoti hai it many reduce the population or even extinction जो इट मैनी रिड्यूस द पॉपुलेशन वो अपनी पॉपुलेशन रिड्यूस कर हो जाती है और इवन कॉज एक्सटेंस ऑफ अदर स्पीशीज और अदर स्पीशीज को भी रिड्यूस करा देगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज हिरन का नंबर बिल्कुल खत्म हो गया वो मर गए उनका एक भी नंबर है नहीं तो एक्सटिंक्ट में चले गए लेकिन उसको जो खाने वाले टाइगर थे लायन थे ठीक है कार्निवोरस एनिमल उनको खाना नहीं मिलेगा उनका भी नंबर कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है ना एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज का पॉपुलेशन खत्म हो रहा है यानी वो दूसरा उसके ऊपर जो डिपेंड करके रहते थे उनका भी नंबर खत्म हो जाएगा ये है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आपका क्या है हर्बीवोरस एनिमल्स का नंबर खत्म हो जाएगा तो कार्निवोरस एनिमल कहाँ जी पाएंगे वो भी मरेंगे क्योंकि वो डिपेंड करते हैं उनको खाने के लिए ठीक है समझ में आ गया ना ये चीज ओके तो ये जो है सब मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी में क्या संकट है उसको अभी देखें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रहने का जगह जो है उनका जगह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है ठीक है ध्वंस होने में लगा है तो कैसे हो रहा है उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं मैम मैं रीड करूं ठीक है वेरी हाई चांस ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इफ इट्स हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड एनिमल प्लांट्स के जो हैबिटेट्स हैं अगर डिस्ट्रॉयड होने के एनिमल्स और प्लांट्स के जो हैबिटेट्स हैं उनके रीजन है जो डिस्ट्रॉयड है उनके रीजन है डिफोरेस्टेशन और नेचुरल डिजास्टर अगर कोई स्पीशीज एंड किसी वो खतरे में है किसी रीजन में तो उसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉयड किया जाएगा तो हाँ तो रहने का जगह जब हम छीन लेंगे तो वो रहेंगे कहाँ पे
सबसे बड़ी बात है कि हमें रहने के लिए जगह मिलना चाहिए, हम कहाँ पे रह रहे हैं, सुटेबल जगह जब नहीं मिलेगा तभी हमारा कोई रूम छीन के ले जाएगा, तभी हम कहाँ पे रहेंगे। ऐसे ही होता है कि उनका जब हैबिटेट को कैसे छीना जाता है ना, नेचुरल डिजास्टर होती है वो, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो होता है। और डिफोरेस्टेशन जो ह्यूमन बीइंग करता है, पेड़ पौधे को काट के अपना फैक्ट्री बनाता है, अपना घर बनाता है, अपना शहर बनाता है, तो उसमें से क्या हो रहा है ना, जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। जब रहने के लिए जगह नहीं रहेगा तो वो मर जाएंगे, और क्या, उनका नंबर कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ, हु कैन रीड दिस पैराग्राफ। एक तो आपका रीजन आ गया कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके अश्मित, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। ओके, पोचिंग। सम एनिमल्स स्पीसीज आर इलीगली कैप्चर्ड और किल्ड बाई पोचर्स फॉर देयर हॉर्न्स, टीथ्स, हाइड्स और बोन्स। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयन मोनल इज ए वेरी ब्यूटिफुल बर्ड फाउंड इन हिमाचल प्रदेश डेट इज नाउ इंडेंजर्ड ड्यू टू बींग पोज्ड एंड सोल्ड एज अ पैट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो इलीगली पकड़े जाते हैं, मतलब जैसे इलीगली कुछ पकड़ते हैं लोग, जैसे पोचर्स हो गए, उनको पकड़ा नहीं जाता इलीगली, ठीक, उनको मना किया गया है शिकार करने के लिए, फिर भी वो करते हैं चोरी चोरी करके, ठीक है। यस मैम। उनके जो हॉर्न्स होते हैं, टीथ होते हैं, हाइड्स और बोन्स, उसको निकाल के उसको बेचते हैं, उससे कुछ बनते सामान। ह्यूमन बीइंग में ज्यादा लालच है ना, ठीक, उसको बेच बेच के पैसा कमाएंगे, वो नहीं देखते हैं कि एनवायरमेंट में क्या हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स बताओ। जैसे एग्जांपल्स हो गया था हिमालयन मोनल, एक हिमालयन मोलन इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। पे हिमालयन मोलन कितना ब्यूटीफुल बर्ड है, कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है, उसको क्यों पकड़ते हैं? प्रदेश में फाउंड होती है। यस मैम। इसके मतलब हॉर्न्स और टीथ। नहीं नहीं, इसका हॉर्न्स टीथ कहां से आ जाएगा, ये एक पक्षी है। मैम, इसे पेट बनाने के लिए। हाँ, उसको पेट बनाने के लिए, मीन जी इतना सुंदर है कि कोई भी घर पे रखने के लिए जाएंगे, भाई हमें प्रकृति को घर पे थोड़ी रख पाएंगे, पिंजरे के अंदर थोड़ी कैद कर पाएंगे उसको, ठीक है, वो नेचुरली जंगल में रहेंगे तभी सुंदर लगेंगे, ठीक है, उसको ला के हम घर पे एक पिंजरे के अंदर कैद करेंगे तो उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? पॉपुलेशन तब बढ़ेगा जैसे कि वो अपने ग्रुप में रहे और फ्रीली रह पाएंगे, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, मेल फीमेल एक साथ में रहेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, अपना घर को क्या करने के लिए, सुंदर करने के लिए हम उसको रखते हैं लाके घर पे, तो उसमें से पॉपुलेशन बेकार होगा, वो घर के अंदर कैद होके कितना दिन जी पाएगा। फिर भी लोग क्या करते हैं ना, उसको इलीगली पकड़ते हैं, बेचते हैं, क्यों ना, उसको पेट के लिए, पेट समझते हो ना, पीईटी। यस मैम। ठीक है। यस मैम। पालतू जानवर। हाँ, पालतू। हम सोच रहे कि हम उसको ला के घर पे रखेंगे और पालेंगे, भाई हम प्रकृति को कैसे अपने कैद में ले आएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक, वो मर जाते हैं। लोग करते हैं, सुंदर है वो देखने के लिए, कितना कितना खूबसूरत है, देख पा रहे हैं ना कितना खूबसूरत है ये फिगर में, तो लालच तो होगा कि भाई हम भी हमारे घर पे रखें उसको, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो पोचिंग मीन्स क्या है ना, इलीगल हंटिंग, ठीक है, बेआईन शिकार करना, बेआईन शिकार करना को ही कहते हैं, क्या शिकार करने को ही कहते हैं पोचिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो दो आपका pollution. क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रेट था, संकट था, संकट में फर्स्ट संकट क्या है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सेकंड आया गया पोचिंग, थर्ड देखो पोल्यूशन, पोल्यूशन भी तो होता है। yes. हाँ, तो पढ़ो ये पैराग्राफ, पोल्यूशन क्या है। ओके, पोल्यूशन, पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। सम एनिमल्स आर पॉइजन्ड बाय chemical fertilizers and pesticides used in agriculture which mix with water sources. Harmful garbage on land gets washed away into water bodies and causes the death of many aquatic animals. जो pollution होता है, pollution is one of the biggest threat to biodiversity. जो pollution है वो भी एक बड़ी समस्या है अपने biodiversity के लिए। Some animals are poisoned by chemicals fertilizer. जो कुछ animals होते हैं वो chemical fertilizer से जहरीले हो जाते हैं, किसे जहरीले हो जाते हैं, और pesticide से। okay. और ये pesticide agriculture में use किया जाता है, which mix with water, जो water के साथ मिला रहता है,
हार्मफुल गार्बेजेस ऑन लैंड गेट वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज, और जो हार्मफुल गार्बेज होती है, कूड़ा होता है आपका ना, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को पानी में मिला के जब हम जमीन में देते हैं तो वो क्या होता है ना, पानी में जाके बिल्कुल ऐड हो जाता है। ठीक है, बारिश बारिश होगा धूल जाएगा और जाके डायरेक्ट पानी, तालाब हो गया, नदी हो गया, उसके अंदर जाके मिलेंगे। ठीक है, वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो वो इसको सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, टॉलरेट कर नहीं पाएंगे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स केमिकल को। ठीक है, तो बहुत नाजुक होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, वो मर जाते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, संकट है बायोडायवर्सिटी का, पोल्यूशन मेजर बिगेस्ट संकट है। ठीक है, उसको थोड़ा रोकना चाहिए। अपना मनुष्य क्या करता है, अपना फायदे के लिए कुछ भी कर लेता है। यस, हार्मफुल गार्बेजेस ऑन लैंड गेट्स वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज, जो हार्मफुल गार्बेजेस होती है, कूड़ा होता है, वो भी वाटर बॉडीज के साथ बहा दिया जाता है। एंड कॉजेस डेथ ऑफ मेनी एक्वाटिक एनिमल्स, उससे एक्वाटिक एनिमल्स भी मरते हैं बहुत सारे। ये देखिए, जैसे आपका थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी में फर्स्ट आपका संकट क्या था ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सेकंड आपका आ गया था पोचिंग, थर्ड आ गया था आपका पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन सबसे मेजर थ्रेट है, मेजर संकट है, ये सबसे बड़ा संकट है, उससे बचाना है बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट और एक भी है क्या ना, इन्वेंशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज। नेटिव स्पीशीज आपको पता है स्थानीय प्रजाति, जो एक पर्टिकुलर स्थान में होते हैं उसको, जिसको हम एंडेमिक कहते हैं। और एक होता है एक्जोटिक। ठीक है, एक्जोटिक स्पीशीज क्या है ना, जो बाहर से लाया जाता है। ठीक है, वो स्थानिक नहीं होते हैं, वो बाहर से लाया जाता है उनको। तो वो आके जब नेटिव प्लेस में रहेंगे तो फूड और न्यूट्रिएंट्स आपका रहने के लिए शेल्टर, ये सबके लिए कंपटीशन करेंगे नेटिव स्पीशीज के साथ। ठीक है, तो करने से क्या होगा ना, नेटिव स्पीशीज जो हैं, स्थानीय प्रजाति जो हैं, उनका डेथ हो जाएगा, वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, उनके साथ फाइट कर नहीं पाएंगे। तो क्या होगा इसमें से, ये भी एक संकट है बायोडाइवर्सिटी का। जैसे हमारे इंडिया में जो स्पीशीज है, इंडियन स्पीशीज है, हम बाहर कंट्री से कुछ नया स्पीशीज लाएंगे, उनको यहाँ पे उगाएंगे रखेंगे, तो क्या होगा ना, वो कंपटीशन करेंगे अपना खाना पाना, खाना पानी के लिए और रहने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका स्थानिक प्रजाति है वो उनके साथ फाइट कर नहीं पाएंगे और वो मर जाएंगे, डेथ होगा। तो समझ में आया ना ये चीज, कि कैसे आपका क्या होता है ना, एक्जोटिक स्पेसिस जो है, बाहर से जो लाया जाता है स्पेसिस, उनको एक्जोटिक कहते हैं, वो एंडेमिक स्पेसिस को कैसे हार्मफुल पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है ना, लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है ना, रिप्रोडक्शन रेट जो है ये लो है। कैसे ना, सम स्पेसिस आप वेरी लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, सच एज द स्पेसिस डू नॉट इजीली रिकवर व्हेन देयर पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। किसी भी कारण से, जैसे आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, पोचिंग हो सकते हैं, कोई से भी कारण से उनका नंबर कम हो गया है, बट उनका रिप्रोडक्शन सही रहेगा तभी वो क्या करेंगे, अपना रिकवरी कर लेंगे। बट जब रिप्रोडक्शन लो रहेगा, उनका प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, अपना बंक्स को आगे ले नहीं पाएंगे, तो उनका नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे और बायोडायवर्सिटी में संकट दिखाई देगा। नेक्स्ट देखो क्या है ना, नेचुरल कंपटीशन और डिजीज और डिजास्टर। नेचुरल कंपटीशन होता है, ये तो पता है, कहीं पे ज्यादा लोग आ जाएं या ज्यादा स्पेसिस आ जाएं, उनमें से क्या होता है, कंपटीशन होता है खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, ये तो नेचुरल कंपटीशन होता है। ह्यूमन बींग हो गया या कोई सा भी जीव जंतु है, उनके बीच में, प्लांट में भी होती है ये चीज। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है आपका संकट का, और उसमें से जो सर्वाइव कर लिया वो जी जाएगा, जो नहीं कर पाया वो मर जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, डिजीज भी है, बीमारियां भी आ जाता है, ये भी एक है। डिजास्टर है आपका, आपदाएं जितने भी होते हैं, नेचुरल आपदाएं, जैसे आपका साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ये भी है। तो ये सब कारण से क्या होता है ना, बायोडाइवर्सिटी में संकट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और एक चीज मैं बता देती हूँ, IUCN क्या है, IUCN क्या है ना, ये द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इसमें से क्या है ना, ये एक बुक है, रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक में IUCN ने क्या क्या ना एक बुक प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक। इसमें से जितने भी एंडेंजर्ड स्पेसिस हो गए, एक्सटिंक्ट स्पेसिस हो गए, सारे एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में रिकॉर्ड उसी बुक से ही मिल जाता है, ठीक है। कितने एनिमल्स अभी हैं, कितने मर चुके हैं, कितने मरने वाले हैं, कितना क्या क्या है, हर एक चीज अप टू डेट वो रेड बुक डाटा से ही मिल जाता है, ठीक है। और IUCN ये जो है इसका फुल फॉर्म को याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये था आपका आज के टॉपिक्स, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक सभी को समझ में आ गई होगी। एक बार बताओ तो समझ में आया है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बायोडाइवर्सिटी का संकट क्या क्या हो सकता है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार बता दो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यस, सेकंड में पोचिंग, पोल्यूशन, पोल्यूशन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉन नेचुरल कॉम्पिटिशन, डिजीजेस एंड डिजास्टर, ये सब है, ठीक है। और एक चीज बताओ कि ये सारे चीज एंडेंजर्ड स्पेसिस हो गया, एक्सटिंक्ट स्पेसिस हो गया, किसी भी स्पेसिस हो, उसका सारे डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? ये बुक को किसने प्रोवाइड किया है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम, थैंक यू मैम।